हम कैसे करते हैं ना, तो आप लोगों ने जो है एक्सरसाइज 16.2, ये मैंने जब हमने ये ना चैप्टर स्टार्ट किया था आपको मैंने बोला था उस टाइम पिक्टोग्राम किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें आज मैं थोड़ा सा आपको और रिपीट करूंगी, ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास नहीं दी होगी तो उनके लिए भी और जिन्होंने पढ़ा है ऑलरेडी तो उनको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ मैंने आप लोगों को बोला था जो इंफॉर्मेशन हमें द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, जो इंफॉर्मेशन हमें पिक्चर्स के जरिए मिलती है, ठीक है, उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, ठीक। और जो डेटा होता है ना, द इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्ट इज कॉल्ड डेटा, जो मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई पिक्चर है आप अपनी बुक पर देखो लाइक दिस, ठीक है, इसके जरिए जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। फिर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी वो, जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे क्लासेस है किस क्लास में कितनी गर्ल्स है, तो इसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ना ओके। तो फिर एक तो हुआ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ जो होता है अब आप याद रखोगे सिंपली यूसेस इंफॉर्मेशन से मिलान पिक्चर्स के जरिए से, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी ये जो इंफॉर्मेशन हमें पिक्चर्स के जरिए मिलती है ना, कभी कभार वो क्या होता है सूचकांक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो फिर क्या होता है उस टाइम क्या करते हैं कि फिर वो जो उसमें डिफिकल्ट हो जाता है मतलब सूचकांक मुश्किल पर ज्यादा, अगर कहीं मतलब ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो फिर हम उसके लिए क्या होता है कि वो फिर थ्रू चार्ट्स से वो इंफॉर्मेशन फिर प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब डायग्राम्स वगैरह, ठीक है। वो डेटा जो होता है सूची वहां पर शो गा रिप्रेजेंट होता है वो थ्रू चार्ट्स, ठीक है, यानी कि आप बोलोगे चार्ट्स वगैरह क्या होता है, मतलब जस्ट लाइक डायग्राम्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है, ना बार ग्राफ। वो बार ग्राफ क्या होता है, उसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होते हैं बार्स, ठीक है, आपको मैं वो दिखाऊंगी ना। अच्छा सा हॉरिजॉन्टल आप लोगों को पता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है, ठीक है, उससे वो रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, बार ग्राफ। तो जस्ट लाइक दिस इक्वल वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है, ये है ये बार ग्राफ जो मैंने आपको बोला पिक्टोग्राफ होता है वो ऐसे होता है, वो रिप्रेजेंट होता है पिक्चर्स थ्रू पिक्चर्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ जो पिक्चर्स के जरिए से, ये आप याद रखोगे। और जो बार ग्राफ होता है वो ऐसा होता है लाइक दिस, ठीक है, ये बार ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये कौन सा वाला बार ग्राफ है, आप लोगों को मैंने बोला उसमें होते हैं हॉरिजॉन्टली और या वर्टिकली, ठीक है, लेंथ होती है। तो अब ये वर्टिकली है, वर्टिकल आप लोगों को पता है ना, वर्टिकल किसको बोलते हैं, जो लाइक वन होता है, लाइक वन, ठीक है। तो यू गो वर्टिकली बार ग्राफ, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टली होता है वो फिर ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, वेट कीजिए, वर्टिकली आप याद रखोगे, ठीक है, एक सेकंड वेट, ठीक है, वर्टिकली आप याद रखोगे। आज हम खाली पिक्टोग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना नहीं पढ़ेंगे दोनों हम, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से पिक्टोग्राफ्स का, आज हम खाली वो पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह फिर कल हम बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अब आपको बोल के रखा है बार ग्राफ्स के बारे में, कल ये फिर से रिवाइज होगा, लेकिन कल मैं फिर आपसे ही ज्यादा पूछूंगी, ठीक है, आपसे ही मैं पूछूंगी, मुझे बोलो बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। देखो ये है हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, आप लोगों को पता है ना हॉरिजॉन्टली क्या होता है, ये वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है, ऐसा समझ में, हॉरिजॉन्टली ऐसे, हाँ, वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया, ये वो वर्टिकल सीधी ऐसे, ठीक है, आया समझ में, ओके। तो कल ये फिर से रिवाइज होगा, आज हम पहले पढ़ेंगे खाली पिक्टोग्राफ के बारे में, ठीक, अब पिक्टोग्राफ आया ना समझ में, पिक्टोग्राफ किसको कहते हैं जो मिलती है किससे, मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहां से शोर आ रहा है, यस मैम मुझे भी आ रहा है, कहां से शोर आ रहा है मैम, एक बार की आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, हाँ मैम, और आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है,
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ हमसे ठीक आ रही है।